session we are going to discuss our unit number 11 which is based on adjustment of risk and uncertainty in capital budget decision. तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि कैसे रिस्क को एडजस्ट किया जाता है, अनसर्टेनिटी क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कैपिटल बजटिंग क्या है, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैपिटल बजटिंग का डिसीजन कैसे लिया जाता है। सो ईच एंड एवरी आस्पेक्ट वी विल ट्राई टू मेक क्लियर टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कैपिटल बजटिंग थ्योरी इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों कैपिटल बजटिंग क्यों रिक्वायरमेंट होती है, व्हाई कैपिटल बजटिंग इज रिक्वायर्ड, ओके, सो ऑल दिस एस्पेक्ट वी विल अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, लेट्स सी व्हाट इज कैपिटल बजटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। फ्रेंड्स कैपिटल बजटिंग क्या है कि एक प्रोसेस है, ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एलोकेटिंग फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन विच जनरली टेक अ लॉन्ग टाइम। तो ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि ये प्रोसेस है कि आप फंड को एलोकेट करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर दोस्तों आप क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, आप रिटर्न्स को देखते हैं जो कि आपके पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और फिर डिसाइड करते हैं कि करें या ना करें इस पार्टिकुलर टास्क को, इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को परस्यू करें या ना करें, देन आफ्टर यू विल डिसाइड। सो ये सब स्टेप्स होते हैं दोस्तों प्लानिंग हमारे कैपिटल बजटिंग में। सो आइए देखते हैं इन सभी स्टेप को दोबारा। तो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस दिस स्टेप वंस मोर। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी एक नया फैक्ट्री बनाना चाह रही है, एक कंपनी है दोस्तों की नया फैक्ट्री बनाना चाह रही है, तो वो जो है एस्टिमेट करना पड़ेगा उसे कि लैंड का क्या कॉस्ट है, उसे देखना पड़ेगा दोस्तों कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन सभी का क्या कॉस्ट है, लेबर का क्या कॉस्ट है, और कितना रेवेन्यू प्रोडक्ट जनरेट कर सकती है। तो ये प्रोसेस लंबा समय लगता है क्योंकि इसके लिए आपको केयरफुल एनालिसिस करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है दोस्तों बजटिंग का। अब देखिए ये था हमारा कैपिटल, ये दोस्तों है कैपिटल बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो बजटिंग है, बजटिंग मतलब क्या होता है कि इट मीन्स एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। ऐसे मान लीजिए कि कंपनी क्या करेगी, एक बजट बनाएगी, ठीक है, एक बजट बनाएगी अगले साल के लिए, उसमें ये रहेगा कि कितना वो खर्चा सैलरी पे करेगी, कितना वो खर्चा रेंट पे करेगी, हाउ मच इट विल डू अदर एक्सपेंसेस कितना होगा इसका, ठीक है। तो ये सभी चीज़ होगा, इससे क्या होगा कि वो अपने रिसोर्सेज को प्लान करेगी और इफेक्टिवली एलोकेट करेगी, इसे कहा जाता है बजटिंग। दोस्तों कैपिटल बजटिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए। कैपिटल बजटिंग कहाँ यूज़ किया जाता है दोस्तों, फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इट इज़ यूज फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको नया फैक्ट्री बनाना है, एक नया प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करना है या नया मार्केट को एक्सपेंड करना है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये जो नए प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, राइट। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो कैपिटल का कॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है, कितना खर्चा इसके साथ एसोसिएटेड है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि खर्चा क्या क्या एसोसिएटेड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, जैसे कि कॉस्ट ऑफ परचेजिंग लैंड, लैंड परचेज करना, ये खर्चा होगा, फिर है प्लांट, फिर है दोस्तों हायरिंग लेबर, परचेजिंग मटेरियल। जैसे एक कंपनी एक नया फैक्ट्री बनाना चाह रही है तो इसके कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सभी आएगा दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि कैपिटल का कॉस्ट, यहाँ पे एक टर्म है दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आइए इसे समझते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि कितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी और रेजिंग फंड टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट। अगर किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए आप पैसा जो बोरो करेंगे, ठीक है, अपने आप कहीं से बोरो करेंगे ना, बैंक से लेंगे, तो उसका क्या कॉस्ट है। ये कॉस्ट वेरी कर सकता है, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि कितना समय लगे, कितने समय के लिए फंड को आपने बोरो किया है, यानी मान लीजिए कि आपने फंड को बोरो किया तो कितने समय के लिए बोरो किया, फंड का सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है फंड का, कितने समय के लिए बोरो किया। जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो है बैंक से बोरो करती है एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, तो उसे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो लोन पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, इसे ही कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप समझ गए होंगे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि आपने अपने बोरोइंग किया, आपका कंपनी है, आपने बोरोइंग किया बैंक से, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ही कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलिए ये चीज़ है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ टाइम, फिर नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम,
कितना पैसा आपने लिया है, फंड का सोर्स क्या है, फॉरेन रिसोर्स भी हो सकता है दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि रिवेन्यू एस्टिमेशन, यानी रिवेन्यू को एस्टिमेट करना ये चैलेंजिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे बिहेव करेंगे, हाउ विल मार्केट बिहेव, कंपटीशन क्या है दोस्तों, कंज्यूमर डिमांड क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि उसके सेल्स से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन दोस्तों ये डिफिकल्ट हो सकता है यदि बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं और यदि दोस्तों कंज्यूमर का डिमांड ही अनप्रडिक्टेबल है, कंज्यूमर का डिमांड यदि अनप्रडिक्टेबल है तो ये पता लगाना पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि उनका कितना सेल से कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। या दोस्तों यदि मान लीजिए कॉम्पिटिटर बहुत हैं, वही बता रहा है, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट बिहेवियर एंड कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तभी आप अपने एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे, बजट रेवेन्यू एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे, और मार्केट बिहेवियर मतलब मार्केट में कंज्यूमर का कैसा डिमांड है उससे भी आप नहीं कर पाएंगे। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं कॉस्ट को और रेवेन्यू को किसी प्रोजेक्ट के साथ, तो प्रत्येक जो कॉस्ट का एलिमेंट है और रेवेन्यू अनसर्टेन हो सकता है, क्योंकि अभी आपको बताया कि कॉस्ट इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेवेन्यू इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉस्ट और रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि लेबर का कॉस्ट अनसर्टेन हो सकता है क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है मार्केट डिमांड पर वर्कर। और दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि क्रॉस कंट्री इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लॉस होगा, रेगुलेशंस होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी है वो किसी फॉरेन कंट्री में जापान में एक फैक्ट्री बिल्डअप कर रही है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा लोकल लेबर लॉ क्या है जापान में, दोस्तों लोकल लेबर लॉ क्या है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उसे रेगुलेशन देखना पड़ेगा, करंट एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा, फिर दोस्तों कल्चरल डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ये सही फैक्टर दोस्तों इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इम्पैक्ट को बढ़ा देते हैं रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड में कि कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक रिस्क होता है, एक्सन प्रोजेक्ट है रिस्क एनालिसिस वही बताया जा रहा है। सो सम प्रोजेक्ट है स्पेसिफिक रिस्क। सो अभी तक दोस्तों हमने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया कि बेसिकली प्रोजेक्ट में दो चीज़ होता है, एक होता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है रेवेन्यू जनरेशन। तो दीज टू थिंग्स आर अनसर्टेन बिकॉज दीज टू थिंग्स डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। ये दो चीज़ दोस्तों बहुत ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको समझाने समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पता लगाना, मार्केट में डिमांड क्या है, कंज्यूमर का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट दीज टू पैरामीटर्स। चलिए अब हम लोग आपने कैपिटल बजटिंग देखा दोस्तों। कुछ प्रोजेक्ट में रिस्क होता है मतलब दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट के पास रिस्क होगा जो कि यूनिक होगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें हजारडियस केमिकल्स हैं, ठीक है, तो या मान लीजिए कि आप एक अनस्टेबल कंट्री में काम कर रहे हैं जैसे सीरिया या ऐसा कुछ अनस्टेबल कंट्रीज है वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों कुछ रिस्क होता है जो कि दूसरे प्रोजेक्ट फेस कर सकते हैं, इसे ही कहा जाता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। दोस्तों जब भी प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों वही बता दे रहा है कौन कौन सा रिस्क है। जब भी कोई प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका ह्यूज डिमांड है और उसे डिफिकल्ट नहीं है बनाना, इस कारण से इमेंस कंपटीशन आ जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों इमेंस कंपटीशन, ठीक है, तो कभी कभी कंपटीशन इमेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि टॉय बना रही है, क्या बना रही है, टॉय खिलौना बना रही है, ठीक है, हॉलीडे सीजन में, तो दोस्तों बहुत सारे अदर कंपनीज होंगी वो भी ऐसा ही करेंगी, तो उससे क्या होता है दोस्तों आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, राइट। तो इमेंस कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो अ फैक्टर। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि कुछ रिस्क होते हैं सीजन के बेसिस पे, राइट, सम रिस्क आर बेस्ड ऑन द सीजन्स। जैसे मान लीजिए कि कुछ बिजनेस एरिया होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं सीजन या पॉलिसी डिसीजन जो कि अथॉरिटी ने लिया है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि एयर कंडीशनर बनाती है, एसी बनाती है, तो वो हायर सेल देखेगी समर सीजन में, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करे कि बैन कर ले एयर कंडीशनर के यूज पे एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण, तो कंपनी क्या करेगी, अलग तरह का रिस्क फेस करेगी। दूसरा ये होता है दोस्तों, इसे सीजनल रिस्क कहते हैं। फिर दोस्तों दूसरा है कि मार्केटिंग रिस्क होता है, मार्केटिंग रिस्क भी कंपनी फेस करती है। मार्केटिंग रिस्क में क्या होता है कि जब भी कंपनी डिसाइड करती है कि हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो उसे अब उसका अपना ऑपरेशन एक्सपेंड करना पड़ता है लोकल से नेशनल लेवल पे, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये जो एक्सपेंशन है ये रिस्क होता है कंपनी के लिए, क्योंकि उन्हें अननोन रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर हैबिट्स और मार्केट सेंसिटिविटी को फेस करना पड़ता है, इसे कहते हैं मार्केटिंग रिस्क। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है दोस्तों कि जब भी कंपनी इंटरनेशनल जाना चाहती है तो उसे करेंसी एक्सचेंज रेट का रेट फॉलो करना पड़ता है, इस कारण से दोस्तों कंपनी का जो एसेट और लाइबिलिटीज है ये फ्लक्चुएट होता है। फिर बताया जाए दोस्तों कि रिस्क जो है, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि सेल्स को
जैसे जितने भी रिस्क है जो कि कंपनी फेस करती है, उसके पास पोटेंशियल है कि वो उसके सेल्स कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सके, राइट। सो एवरी रिस्क हैज अ पोटेंशियल टू काउज, हाँ वही बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए सीजनल रिस्क क्या होता है, पॉलिसी डिपेंडेंट बिजनेस क्या होता है, फिर दोस्तों सेल्स जो है, सेल्स रिस्क जो है सेल्स को, कॉस्ट को, प्रॉफिटेबिलिटी को, सभी को अफेक्ट करेगा, ये मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यदि कंपनी जो है बहुत सारा पैसा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट कर दी, तो उसको वो इम्पैक्ट करेगा इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में समझाया जा रहा है कि स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, एक प्लांट है दोस्तों जो कि हजार्डस केमिकल को यूज कर रहा है, उसे दोस्तों स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी से जाना पड़ेगा इससे पहले कि ऑपरेशन कर सके। यदि कंपनी जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी तो उसे शट डाउन करना पड़ेगा तुरंत, जैसे हुआ था दोस्तों वेंदाता स्टरलाइट कॉपर प्लांट तमिलनाडु में, एग्जाम्पल है दोस्तों वेंदाता स्टरलाइट कॉपर प्लांट तमिलनाडु, इसको बंद करना पड़ा था, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों, तो रिस्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एक प्लांट जो कि पॉल्यूशन जनरेट कर रही है उसको बहुत सारा पैसा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे स्पेंड करना पड़ेगा। फिर कॉर्पोरेट फाइट्स होते हैं दोस्तों, यदि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं जिसमें एक एक कंसेप्ट को समझाया जाए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं पेड वीडियोज़ के रिगार्डिंग। दोस्तों कॉर्पोरेट फाइट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक टसल चल रहा है इंडिगो एयरलाइंस के बीच में, इंडिगो एयरलाइंस और दोस्तों आपका इसके को फाउंडर, ठीक है, को फाउंडर या फ्यूचर रियल केस, जहाँ पे अमेजॉन और रिलायंस जो है लीगल बैटल में है, वो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के परफॉर्मेंस को, ये होता है दोस्तों कॉर्पोरेट फाइट। फिर दोस्तों ये जरूरी है कि रिस्क के लिए अकाउंट करना जब भी आप कैपिटल बजट को प्रिपेयर करें, यदि आप रिस्क को नहीं अकाउंट करेंगे तो आप यदि अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाएगा जो कि कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क बताए, अलग अलग कंपनीज किस तरह के रिस्क फेस करती है मैंने आपको समझाया, ये जरूरी है रिस्क को अकाउंट करना। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस की, तो दोस्तों लेट्स कॉस्ट अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस, लेट्स डिस्कस सेंसिटिविटी एनालिसिस इन डिटेल। बेसिकली व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस, वी विल ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने देखा दोस्तों कि रिस्क क्या है, ठीक है, सेंसिटिव रिस्क का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस कैपिटल बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल बजटिंग क्या होता है। सो आई थिंक ईच एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। दोस्तों बताया जा रहा है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में कि ये एक तरीका है ये समझने का कि किसी अनसर्टेन फ्यूचर मूवमेंट का, मान लीजिए कोई वेरिएबल्स है या कोई प्रोजेक्ट है किसी सर्टेन, देखिए मान लीजिए कि अनसर्टेन फ्यूचर मूवमेंट ऑफ कोई वेरिएबल है, ठीक है, कोई वेरिएबल यदि कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसका अलग तरह से मूव कर रहा है दोस्तों, अनसर्टेन मूवमेंट है, ठीक है, किसी बिहेवियर का दोस्तों मान लीजिए कि अनसर्टेन मूवमेंट है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा किसी प्रोजेक्ट पे या इन्वेस्टमेंट पे, तो प्रोजेक्ट पे या दोस्तों इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वेरिएबल का, ये बताया जा रहा है। दोस्तों जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं ना, ये जो है मान लीजिए कुछ ऐसा वेरिएबल्स है इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाएंगे, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके एस्टिमेट को अफेक्ट करते हैं और आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस को जियोपार्डाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेट ट्यूब है, एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, एक पीईटी ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अब दोस्तों बुक में आपको टेबल दिया हुआ है, मैं आपको टेबल शो करता हूँ, लेट मी शो यू द टेबल, आई थिंक आई हैव मेड द टेबल, यस ये सीधी आप ये टेबल देखिए, इस टेबल से आप समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि एक पीईटी ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, तो टेबल में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्सपेक्टेड सेल्स कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लाइफ कितना है, राइट। जैसे मान लीजिए कि कुछ अनसर्टेनिटीज है इन सभी वेरिएबल्स में, जैसे मान लीजिए कि सेल्स रिवेन्यू जो है आपका यहाँ दिखाया जा रहा है, सेल्स रिवेन्यू 36,000 दिखाया जा रहा है लाख में डाटा है, तो सेल्स रिवेन्यू मान लीजिए उतना हाई नहीं है जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया, या मान लीजिए कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि मार्केट में कुछ चेंज आ गया, तो आपको इन सभी चेंज के इम्पैक्ट को समझने के लिए, ठीक है, हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं कि हम लोग ये तो वेरिएबल है, ये सभी क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन ये सभी अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं इसमें, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको समझने के लिए हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हम जो है एक वेरिएबल एक समय पर चेंज होगा, बाकी सभी वेरिएबल को हम लोग कॉन्स्टेंट मानेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि प्रॉफिट में क्या चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि सेल्स है वेरिएबल का, एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेल्स रेवेन्यू जो है वो 10% बढ़ेगा, ठीक है, 10% बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों आप फिर ये देखते हैं कि 10% यदि सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
ये देखते हैं दोस्तों। उसी तरह दोस्तों आप क्या करते हैं कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है उसे आप चेंज करते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाकी दूसरे वेरिएबल को आप कॉन्स्टेंट रखते हैं, राइट, ये बताया जा रहा है दोस्तों। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किस वेरिएबल का बिगेस्ट इम्पैक्ट है, सबसे बिगेस्ट इम्पैक्ट किस वेरिएबल का है, ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों आप फिर प्रोजेक्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कंटिंजेंसी प्लान को अकॉर्डिंगली डेवलप करते हैं। यही है दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस एग्जांपल में लेकर चलता हूँ, और सिंपल सी बात है, प्रत्येक वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे वो देखते हैं। और फिर यही है दोस्तों आगे का स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या समझाया जा रहा है, लेट्स डिस्कस व्हाट इज एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पॉइंट, कि सेंसिटिविटी एनालिसिस को कैसे यूज किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक में आपको बहुत तरह का एनालिसिस यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस, यानी कि दोस्तों आप बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं और फिर आप एनालाइज करते हैं कि इस पार्टिकुलर वेरिएबल का क्या इंपैक्ट है, और उसी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि सबसे सबसे ज़्यादा कौन सा वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है। सो इन दिस वे यू डिसाइड। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में, मैंने आपको पीईटी ट्यूब का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का एग्जांपल लिया। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ये जो पीईटी ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था दोस्तों 40 लाख का 40,000 लाख का 40,000 लैक्स, दिस वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसका सेल्स का टारगेट था 36,000 लाख जो था इसका सेल्स का टारगेट, ठीक है। तो और जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दोस्तों, यानी पीएटी जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो था दोस्तों 4,000 लाख का इसका पीएटी था। इस कारण से जो नेट कैश फ्लो बना था दोस्तों वो था 80,000 लाख, यही बता रहा है दोस्तों। 40,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका 36,000 लाख का टारगेटेड सेल्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था 4,000 लाख, और दोस्तों नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था दोस्तों 8,000 लाख, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट रेट यूज किया गया था दोस्तों प्रोजेक्ट के लिए, ये सब डेटा को आप यूज कर लीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 लाख, ठीक है, टारगेटेड सेल था 36,000 लाख का, रिजल्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4,000 लाख का, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो था वो था दोस्तों 8,000 लाख का। उसके बाद दोस्तों अब जब यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझाया जा रहा है वो देखते हैं कि डिस्काउंटिंग रेट है दोस्तों 12% का, तो डिस्काउंटिंग रेट है 12% और प्रोजेक्ट का जो टर्म है वो है 10 ईयर्स, डिस्काउंटिंग रेट 12%, प्रोजेक्ट टर्म 10 ईयर। तो जो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू था दोस्तों, एनपीवी कितना है, एनपीवी है दोस्तों 5,200 लाख, जो कि नॉर्मल सिनेरियो है बिना किसी रिस्क का, बिना किसी अनसर्टेनिटी का। लेकिन दोस्तों यदि आप अनसर्टेनिटीज को अकाउंट करेंगे, जैसे कि फ्यूचर मूवमेंट हो जाए कुछ वेरिएबल्स में, तो बताया जा रहा है दोस्तों कि बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो को आप लीजिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का, सेल्स का, कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि हर एक वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपके प्रॉफिट पे, ये इसको कंसीडर करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि एक और टेबल है दोस्तों, एक और टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, वन मोर टेबल इज देयर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट का चेंज पे, ठीक है। देखिए मैं टेबल यहाँ पे शायद, हाँ ये टेबल है, ये टेबल बी है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आप टेबल भी देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि टेबल बी में आपको क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले की वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का और सेल्स का एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमारे की वेरिएबल हैं, सबसे पहले लिखा गया, मैं थोड़ा जूम करके लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट लिखा गया है, फिर लिखा गया है सेल्स, फिर लिखा गया है दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट, फिर लिखा गया है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, की वेरिएबल्स हैं। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का, सेल्स का, एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। यदि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़कर हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा है पेसिमिस्टिक, एक्सपेक्टेड, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ये यहाँ पे कितना चेंज हुआ ये बता रहा है, यहाँ पे एनपीवी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है रेंज। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यदि मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ के हो गया 48,000, कितना था 48,000, आपने ये भर के हो गया, आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, आपने एक्सपेक्ट किया था 40,000 रुपया, ठीक है, तो ये भर के हो गया 48,000 रुपया। तो जो प्रोजेक्ट का एनपीवी है ना वो पता है कितना हो जाएगा, एनपीवी हो जाएगा 1300, नेगेटिव में चला जाएगा। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे 40,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो गया 48,000 का, एनपीवी हो गया आपका माने 1300। उसी तरह दोस्तों सेल्स, आपने एक्सपेक्ट किया था दोस्तों, ये है हमारा, ये है दोस्तों
कितना एक्चुअल है और ये है हमारा एक्सपेक्टेड। ठीक है, सेल्स आपने सोचा था कि सेल्स जो है, मान लीजिए कि आपने एक्सपेक्ट किया था 36,000 का सेल्स एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मान लीजिए सेल्स घटकर हो गया 30,000, घट के कितना हो गया 30,000, तो आपने देखा कि एनपीवी जो है नेगेटिव हो गया, 2340 नेगेटिव हो गया एनपीवी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट जो है फाइनेंशियली वायबल नहीं है। ठीक है, इस सिनेरियो में और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि क्या क्या पोटेंशियल रिस्क है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज है जो कि एसोसिएटेड है किसी प्रोजेक्ट के साथ और कैसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों आपने देखा ना यहाँ पे कि फिर देखिए वेरिएबल कॉस्ट था, आपने एक्सपेक्ट किया था कि 66.67 होगा और एक्चुअली हो गया 70 रुपया, तो यहाँ पे एनपीवी क्या हो गया हमारा, एनपीवी पॉजिटिव आ गया 680 रुपया। तो प्रत्येक वेरिएबल का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे एनपीवी पे, ये देखा जा रहा है दोस्तों। तो अलग अलग सिनेरियो को आप टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पीईटी वाले प्लांट को वाले केस यहाँ पे दिया हुआ है, पीईटी प्लांट का, तो अलग अलग सिनेरियो को टेस्ट करते हैं दोस्तों और फिर डिसाइड करते हैं कि ये फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और क्या क्या हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो एक फिजिबल वैल्यू को शो करे। ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेनेवर वी डू दिस सेंसिटिविटी एनालिसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस। आप देखिए दोस्तों इस पे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, इसे देखते हैं। दोस्तों अलग अलग सिनेरियो को टेस्ट करके आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, कितना वीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ा, जैसे यहाँ पे देखिए ना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 40,000 की जगह 48,000 हो गया, इसी कारण क्या हुआ दोस्तों कि एनपीवी जो है घट गया। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम कॉस्ट को कम करें, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कम करें, या आप देख सकते हैं कि कुछ ऑफसेट को फंडिंग करें ताकि एडिशनल एक्सपेंस लिया जाए। दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्पफुल होता है, लेकिन लिमिटेशन भी है कि जैसे लिमिटेशन क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एक ही वेरिएबल है एक समय पे, ठीक है, क्योंकि एक समय पे ये एक ही वेरिएबल कंसीडर करता है और ये जो है एनपीवी पे इंपैक्ट को शो करता है कि उस वेरिएबल का एनपीवी पे क्या इंपैक्ट है। जैसे इन्वेस्टमेंट का एनपीवी पे क्या इंपैक्ट है, सेल्स का एनपीवी पे क्या इंपैक्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का एनपीवी पे क्या इंपैक्ट है, तो एक समय पे एक ही वेरिएबल कंसीडर करता है और उसका इंपैक्ट शो करता है एनपीवी पे। इसलिए दोस्तों दूसरा रिस्क मैनेजमेंट मेथड को यूज करना पड़ेगा इन एडिशन टू सेंसिटिविटी एनालिसिस ताकि आप फुल्ली असेस कर सके कि प्रोजेक्ट का रिस्क, प्रोजेक्ट में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसका इंपैक्ट। समझ में आया दोस्तों कि इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि एक ही वेरिएबल एक समय पे ले रहा है, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है दोस्तों इसका। ठीक है, यही बता रहा है कि एक वेरिएबल को एक समय पे लिया जा रहा है। अब जरा बात करते हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या क्या स्टेप्स हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व विद द सेंसिटिविटी एनालिसिस टू मेक अवर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व विद सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों लिमिटेशन क्या है, बहुत बड़ा लिमिटेशन है सेंसिटिविटी एनालिसिस का, बिकॉज इट कंसिडर ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। सो सबसे पहला है दोस्तों कि आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स, मतलब क्या हो दोस्तों कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में आप पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। ओके, कौन कौन सा वेरिएबल्स है जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है एनपीवी पे या आईआरआर पे। मैंने आपको आईआरआर एनपीवी समझाया था पिछले लेक्चर में, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर एनपीवी और आईआरआर। जैसे मान लीजिए कि कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, क्या है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें मान लीजिए कुछ की वेरिएबल हो सकता है जो कि एनपीवी आईआरआर को इंपैक्ट करेगा। वो हो सकता है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर दोस्तों हो सकता है कि आपका दूसरा फैक्टर हो सकता है कि रेंटल इनकम कितना है, रेंटल इनकम कितना हो रहा है, ये अफेक्ट कर सकता है आईआरआर एनपीवी को। ऑक्युपेंसी रेट कितना है, ये भी अफेक्ट कर सकता है, और एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस कितना है। तो ये सभी फैक्टर दोस्तों अफेक्ट करते हैं आपके आईआरआर को, एनपीवी को। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, दूसरा स्टेप ये है कि आप जब की वेरिएबल पता कर लिए, आपको पता चला कि हाँ ये सब की वेरिएबल है जो कि हमारे इसको अफेक्ट कर रहा है, अब क्या करेंगे दोस्तों, की वेरिएबल पता करने के बाद क्या करेंगे कि आप एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मैथमेटिकल मॉडल, ताकि दोस्तों आप रिलेशनशिप को समझ सकें वेरिएबल के बीच में और कैसे वेरिएबल में चेंज होने के कारण दूसरे वेरिएबल को इंपैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैंने लिया कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ने वाला है, ठीक है, इस कारण से क्या होगा, रेंटल इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपस दो वेरिएबल में कैसे कोरिलेटेड है ये देखेंगे आप कि कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण रेंटल इनकम बढ़ेगा, ठीक है, और लेकिन दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर तीसरा स्टेप ये है कि आप दोस्तों कंडक्ट करेंगे एक एनालिसिस टू डिटरमाइन हाउ, मतलब दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर आप एक एनालिसिस कंडक्ट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि प्रत्येक वेरिएबल का जो चेंज है वो कैसे
एनपीवी को चेंज करेगा या आईआरआर को चेंज करेगा। ये कैसे करते हैं दोस्तों, आप एक वेरिएबल को एक समय पे चेंज कीजिए, बाकी सभी वेरिएबल को कांस्टेंट रखिए। जैसे मान लीजिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 10% से बढ़ गया, ठीक है, तो आप ये प्रोसेस को रिपीट कीजिए। तो आप ये देखिए कि 10% बढ़ने के कारण, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ने के कारण आपके एनपीवी में क्या इफेक्ट पड़ा, बढ़ा या घटा, कितना बढ़ा कितना घटा, ये देखिए। उसी तरह दोस्तों ये प्रोसेस रिपीट कीजिए सभी वेरिएबल के लिए, ताकि आप पता कर सके कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो टू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द ओवरऑल इम्पैक्ट, यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल। तो सर मैं दोस्तों तीन स्टेप है, सबसे पहले आप वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारे फाइनल प्रॉफिट को, एनपीवी को या आईआरआर को, वेरिएबल डिसाइड कर लिया दोस्तों। फिर आप ये देखिए कि मैथमेटिकल मॉडल बनाइए, ये समझिए कि आपस में कनेक्शन क्या है वेरिएबल के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हो सकता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाए, हो सकता है कि रेंटल इनकम बढ़ जाए, तो कनेक्शन क्या है वेरिएबल्स के बीच में। और फिर तीसरा पॉइंट आप ये देखेंगे कि वेरिएबल के इफेक्ट का, कि वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एनपीवी पे, आईआरआर पे। चलिए अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस को डील किया जाए। लेट्स डू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दोस्तों आपको एनपीवी निकालना है। तो आपके सामने एक ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर रही है कि एक नया प्रोजेक्ट है, उसका डिटेल दे रखा है यहाँ पे। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है 44,000 करोड़, एनुअल यूनिट सेल है 5 करोड़, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100 रुपया। एक्चुअली ये सब डाटा करोड़ फिगर्स में है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 50 रुपया, फिर 50 फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर है दोस्तों 50 करोड़, डिस्काउंट रेट है 6%। आपको एनपीवी निकालना है प्रोजेक्ट का, टैक्स रेट को 0 मानना है। चलिए तो उसके बाद दोस्तों आपको इम्पैक्ट निकालना है एनपीवी का। आपको मानना है कि हर एक वेरिएबल में 2.5% का एडवर्स वेरियंस हुआ, तो एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस वेरिएबल का मैक्सिमम इफेक्ट होगा ये बताना है। प्रोजेक्ट का लाइफ है 3 साल। तो एनपीवी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, ये बताइए। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि एनपीवी निकालने का फॉर्मूला है कि आपका कैश इनफ्लो को नोमिनेटर में लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में लिख दीजिए दोस्तों 1 प्लस डिस्काउंट रेट, ठीक है, टू द पावर एन, ठीक है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आप एनपीवी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होता है एनपीवी निकालने, कैश इनफ्लो अपॉन 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू द पावर एन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, तो कैश इनफ्लो निकालने का सिंपल सी बात है कि एनुअल यूनिट सेल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस से, ठीक है। उसमें से दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए इनटू वैन। अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक करके मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ एनपीवी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल कंसिडरेशन है, एक एक पॉइंट को यहाँ देखते हैं दोस्तों क्या समझाया जा रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो हेयर, हाँ, यहाँ पे देखिए कैसे निकाला गया, एक टेबल बना, टेबल फॉर्मेट बताया गया है, इन अ टेबल फॉर्मेट हैज बीन एक्सप्लेन। सो जैसे आप एनपीवी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैश इनफ्लो कितना है, तो कैश इनफ्लो आप देखिए कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे आप, तो ये 5 करोड़ का एनुअल यूनिट सेल है, ठीक है, और कितना सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज का, तो 5 करोड़ को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें से दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50 रुपया है, इसको माइनस कर दें तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 450 करोड़। एनुअल सेल हो रहा है दोस्तों 5 करोड़ का और पर यूनिट का सेल है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है 100 रुपया का, ठीक है। तो आपका 5 × 100 − 50 कर लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 450 करोड़, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला आप सबसे पहला जो आपका कॉलम है यहाँ पे, यहाँ क्या बताया जा रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज, से कंट्रीब्यूशन निकाला आपने, कंट्रीब्यूशन कितना निकला 50, दोनों को माइनस कर दिया आपने, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला कितना, निकला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 निकला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एनपीवी निकालने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा डिस्काउंट रेट पे। डिस्काउंट रेट कितना दे रखा है यहाँ पे 6%। यहाँ पे आप डिस्काउंट रेट को देखिए, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट गिवन, डिस्काउंट रेट गिवन है 6%, ठीक है। तो आप फिर पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे कैश इनफ्लो से, ताकि आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए सभी कैश इनफ्लो का, और जब सभी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट लाइफ कितना हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप एनपीवी निकाले हैं, जैसे इस केस में देखिए कैश इनफ्लो क्या क्या है पहले वो देखिए। तो पहला साल का कैश इनफ्लो है 400, ठीक है। अभी 400 कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैश इनफ्लो यहाँ पे इस टेबल में बताया जा रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला 0 ईयर में कैश इनफ्लो है दोस्तों 400,
ठीक है। तो ये 400 कहाँ से आया, कैसे कैश इनफ्लो निकला, वो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कैलकुलेट द कैश इनफ्लो। तो फर्स्ट कैश फ्लो दैट यू गॉट इज रुपीज 400। ओके, सो हाउ डू यू कैलकुलेट द फर्स्ट कैश फ्लो। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये देखिए इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो होगा वही आपका पहला कैश फ्लो होगा, यानी 400 करोड़। उसी 400 करोड़ को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। पीवी फैक्टर 1 होगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको पीवी मिल जाएगा 400 × 1 = 400। उसके बाद सेकेंड जो कैश फ्लो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो वो है दोस्तों देखिए वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर है 50 करोड़ का, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर ईयर है आपका 50 रुपया पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट आपका दोस्तों 100 रुपीज़, ठीक है। तो कैश इनफ्लो यदि आप निकालेंगे सेकेंड ईयर का, वही यहाँ पे लिखा है ना, कैश फ्लो निकालेंगे दोस्तों फर्स्ट ईयर का फिर सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, एनुअल यूनिट सेल्स इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एन क्या होता है दोस्तों, हमारा लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इन ईयर, ठीक है। तो कैश इनफ्लो हमारा निकला पहला साल का 400 करोड़, ठीक है। सेकेंड ईयर का निकला हमारा 200 करोड़ का हमेशा रहेगा कैश इनफ्लो। ये कैसे निकला दोस्तों, सिंपल सी बात है कि 400 करोड़ आपका इनिशियल कैपिटल कॉस्ट था, एनुअल सेल्स कितना का है, एनुअल यूनिट सेल कितना हो रहा है, 5 करोड़ का सेल हो रहा है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है दोस्तों 100 रुपीज़ है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है दोस्तों 550 रुपीज़ है। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है दोस्तों आपका, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, अब ये देखिए यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 50 करोड़, ठीक है। ये है वेरिएबल कॉस्ट 50 करोड़ है, फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर कितना है दोस्तों आपका 50 करोड़ है, फिक्स्ड कॉस्ट 50 करोड़ है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे ये निकालेंगे, हाउ डू यू कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो पर ईयर। देखिए बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ नेट कैश फ्लो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप सेलिंग प्राइस देखिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है दोस्तों, मैं पिछले साइड में चलता हूँ, लेट अस मूव टू द बैक स्लाइड, यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ देखिए दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी है दोस्तों 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है दोस्तों 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है यहाँ पे कितना 50 रुपीज़, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा दोस्तों, इस दोनों को माइनस कर लीजिए, 100 - 50 यानी कि 50 आपका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। कितना यूनिट आपने बेच रहे हैं, 5 करोड़ का यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन होगा आपका, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि सेलिंग प्राइस में से जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस कर लिया तो हमें कंट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। यानी कितना मिला, 50 रुपीज़ मिला पर यूनिट, और कितना यूनिट बेच रहे हैं, 5 करोड़ यूनिट बेच रहे हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 50 × 5 करोड़, ठीक है। यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 250 करोड़, इतना का आपका टोटल ये है कंट्रीब्यूशन है। इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लीजिए, फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है इन्होंने, 50 करोड़, यानी 200 करोड़ का दोस्तों आपका कैश इनफ्लो होगा। वही देखिए पहला साल 400 200 200 200। अब दोस्तों पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 1/(1+R)^n फॉर्मूला होता है, n को 0 पुट कर दीजिए तो 1/(1+0.06) होगा, यानी कि 1/1.06 होगा, तो ये आपको मिलेगा 0.493। यदि सेकंड ईयर का निकालना है तो 1/1.06 का स्क्वायर होगा तो आपको मिलेगा 0.890। थर्ड ईयर का निकालना है 1/0.03 होगा तो आपको मिलेगा 0.840। समझ में आ, तो इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आप निकालेंगे पीवी फैक्टर सभी साल का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो इन सभी को ऐड करने पे आपको मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना मिलेगा दोस्तों, 134, ठीक है। क्योंकि ये जो 400 होगा वो नेगेटिव होगा इसलिए आपको मिलेगा 134 रुपया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनपीवी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटकम जो कि ज़्यादातर लाइकली ऑकर होना, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि रियल कैलकुलेशन लोअर हो सकता है प्रोजेक्टेड से, तो इस प्रकार से हम लोग एनपीवी निकालेंगे इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। दिन दिस में हम लोग एनपीवी निकालेंगे, तो एनपीवी निकालना आपने सीख लिया। अब हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे, ये जो टेबल बना हुआ है ना ये बना हुआ है दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस का, इसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगला लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। एनपीवी निकालना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। एनपीवी निकालना है आप जानते हैं दोस्तों कैसे एनपीवी निकाला जाता है। अब एनपीवी निकालने के लिए एनपीवी निकालेंगे हम लोग, और सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अवेलेबल टू पेड मेंबर ओनली। सो इफ यू वांट टू गेट सब्सक्राइब फॉर वीडियोस काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द कंटेंट। थैंक यू।